हाय मेरे दोस्त, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ब्लू होल की गेम है जो बच्चों की जान ले रहा है। इससे क्या है, हाउ मच इंटरेस्टिंग इज इट, हाउ कैन वी सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस। क्या है, दो मिनट बाद। So, without being delayed, we start the things about blue whale. दोस्तों बच्चों, इस बच्चे इसमें गेम खेलने के चक्कर में पड़ते हैं और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। 50 दिन का समय दिया जाता है। सबसे शुरू में ब्लू व्हेल का फिगर जो गेम में दिया जाता है उसे अपने शरीर पे बनाना होता है। कहीं ज़्यादातर हाथ में बनाया जाता है, जैसे ऐसे हाथ में ब्लू व्हेल बनाई है। वो ऐसे नहीं, पेंट से नहीं बना है, उसको गोदना है ब्लेड से। सबसे पहले ही जो बच्चा ये कर लेता है वही पास माना जाता है, वही अगले स्टेप में जाता है। इफ यू फेल इन वन स्टेप यू विल नॉट प्रोसीड फॉर अनदर। बच्चे आगे बढ़ने के लिए करते जाते हैं। उन्हें हॉरर मूवीज अकेले में बैठ के देखने को कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे अगर आप बच्चे बन के खेलने की कोशिश करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा कि यू कैन नॉट क्विट दिस गेम, आप एक गेम से बाहर नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। तो आप कहेंगे कि हाउ, तो वो बोलेगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप बिल्कुल बाहर जा ही नहीं सकते, यू कैन नॉट क्विट इट। तो हम लोग हैं जबरदस्ती जैसे आप फोन ऑफ कर दीजिए, लेकिन वो इतना डरा के आपको रखता है, यू कैन नॉट क्विट इट। तो बच्चे उसमें फंसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, हॉरर मूवीज अकेले में बैठ के देखने कही जाती है। हॉरर मूवीज देखने के बाद हमारा आपका दिमाग अभी इतना डरा हुआ हो जाता है, रात में सपने देखने लगते हैं, बाहर कोई पेड़ है तो भूत दिखने लगता है। तो बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है, उन्हें एक से एक टास्क दिए जाएंगे खतरनाक, जो अपने आप को पीड़ित करके कष्ट का आनंद लो। ट्रबल योरसेल्फ एंड एंजॉय दैट थिंग, ये करने को बोला जाता है हर टास्क के बाद। जैसे आप एक ट्रबल फेस कर लेते हैं, एक एडवेंचर, तो यहाँ पे एक निशान मारा जाता है ब्लेड से, आप पास हो गए, फिर अगला ब्लेड से काटो। काटते 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 लास्ट में 50वें दिन एट द 50th डे यू हैव टू किल योरसेल्फ। जो अभी मुंबई में जस्ट घटना हुई, उस बच्चे ने बाय बाय कहा, अब आप केवल मेरी फोटो देख पाएंगे, ऐसा उसने कहा, तो मेरी मेमोरी ही रह जाएंगी आपके पास, ये कहता हुआ। एक अंकल अभी मुझे नीचे देख रहे हैं, वो जैसे ही हटेंगे मैं छत से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। बच्चे ऐसा व्यवहार करने लगते। हाउ कैन वी सेव आवर चाइल्ड, आप छुपा के नहीं सेव कर सकते, वो गेम देखेगा, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी। केवल एक तरीके से बच्चे को सेव किया जाता है, गिव द इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली एंड करेक्टली, एकदम सारी बातें सही सही बताइए, और उन्हें ये भी बताइए कि आप इसे कभी भी क्विट कर दें कुछ नहीं होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास भले है लेकिन पुलिस, सरकार, हम सब आपके साथ हैं। कोई दुनिया में इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो पूरी कायनात से अकेले लड़ ले। दीज थिंग्स यू हैव टू टेल देम, उन्हें बताइए कि आपके दिमाग पे वो हॉरर मूवीज इन सब का प्रभाव है। अगर वो हम भी देख लें, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, 10 दिन आप मेरे साथ रहिए, आप कुछ मत कीजिए, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। अगर वो गिरफ्त में आ चुका है बच्चा, इसके फिलिप गुडेकिन ये इन्वेंटर हैं गेम के, ये इस समय रसिया के हैं, सबसे ज्यादा मौतें भी रसिया में ही हुई हैं, ये इस समय जेल में। इनसे जब पूछा गया आपने ऐसी गेम क्यों बनाई, बच्चे मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दे आर द बायोलॉजिकल वेस्ट हु आर डाइंग आफ्टर दिस गेम, इस गेम के बाद जो मर रहे हैं वो बायोलॉजिकल वेस्ट, उन्हें धरती पे बोझ है, उन्हें मर ही जाना चाहिए। सही बात है, वो जेल में ऐसा हाला, मैं मतलब अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट वी हैव टू डू फॉर हिम,
मैं सीधे कहूंगा गिव हिम लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ नॉट हैंग, अगर उसे फांसी ना दो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो दो ही, ऐसे गेम बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों को सीधे इस तरह बता के व्हाट आई हैव टोल्ड अस अर्लियर वी कैन सेव देयर लाइफ, उस पर जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में बैन हो और देश इस तरह गेम से मुक्त हो। हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, देश का नाम रोशन हो। ओके, बाय बाय।